नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक में भाजपा को एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। जी हाँ दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, जनता ने अपना रुख यहां पर साफ कर दिया है कि तो कितना नुकसान बीजेपी को हुआ है। इसके अलावा सोच में पड़ चुके हैं बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी हों या अमित शाह हों, क्योंकि अब सीधा अटैक यहां पर केंद्र पर नहीं है, बल्कि केंद्र के चारों ओर जो छोटे छोटे राज्य हैं, छोटे छोटे चुनाव हैं, उनके परिणाम बीजेपी को चिंतित कर सकते हैं। इसके अलावा हाल ही में संपन्न हुए महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव भी बीजेपी को यहां पर सोच में रख चुके हैं कि कैसे आने वाले चुनाव का सामना करेगी। बिहार, दिल्ली, इसके अलावा पश्चिम बंगाल बड़ी चुनौतीपूर्ण राज्य रहने वाले हैं। उपचुनाव की बात करें तो सभी उपचुनाव में बीजेपी को जमकर नुकसान हुआ है। ऐसे में कांग्रेस बड़ा पलटवार करती नजर आ रही है और कर्नाटक की जिस प्रकार की तस्वीर सामने आई है उससे बीजेपी को बड़ा झटका यहाँ पर लगा है, क्योंकि 15 सीटों पर सरकार निर्भर करेगी। इसके भी चुनाव बहुत जल्द होंगे, लेकिन जनता ने दिया है भाजपा को मुंहतोड़ जवाब। और साथ ही साथ यहाँ पर बात करें तो निकाय चुनाव में भाजपा का डिब्बा गोल हो चुका है और कहीं ना कहीं बीजेपी को एक बहुत बड़ा झटका यहाँ पर लगा है। अगर बैलेट पेपर से चुनाव हुए तो कांग्रेस की बंपर जीत होगी आने वाले सभी चुनावों में, ऐसी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। लेकिन कांग्रेस बनी सबसे बड़ी पार्टी निकाय चुनाव के दौरान, बात करेंगे कितनी सीटें कहां से कौन जीता है और कर्नाटक किस जिले से कितनी सीटें किस बड़ी पार्टी को गई है। लेकिन कर्नाटक में निकाय चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस निकल कर सामने आई है। सबसे पहले बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट चिक्कबल्लापुरम के लिए, जहां से 62 सीटों पर चुनाव हुए हैं, जहां पर कांग्रेस 16 सीटें और भाजपा 3 और जेडीएस जो है 20 सीटों पर जीती। इसके अलावा अन्य के खाते में सीटें गईं। रामनगरा की बात करें तो यहां पर 54 सीटों पर चुनाव हुए, जहां पर कांग्रेस यहां पर 36, भाजपा 2 सीटें और जेडीएस 16 सीटों पर जीती। इसके अलावा यहां पर डिस्ट्रिक्ट कोलार की बात करें तो 101 सीटों पर चुनाव हुए, कांग्रेस 32, यहां पर भाजपा 8 और जेडीएस 20। दबंगगिरी की बात करें तो यहां पर 45 सीटों पर चुनाव हुए और कांग्रेस 22, भाजपा 17 और जेडीएस 1 सीट पर जीत दर्ज की है। इसके अलावा चिक्कम गमलूर की बात करें तो यहां पर 23 सीटों पर चुनाव हुए, कांग्रेस 9, बीजेपी 10 और जेडीएस 2 सीटों पर जीत दर्ज की है। इसके अलावा अगर बात करें तो बल्लारी की बात करें तो 43 सीटों पर चुनाव हुए, कांग्रेस 16, बीजेपी 20 और जेडीएस 4 सीटों पर जीती है। धारवाड की बात करें तो कांग्रेस 5, भाजपा 12 और जेडीएस को एक भी सीट नहीं मिली है। इसके अलावा दक्षिण कोंडा की बात करें तो यहां पर 60 सीटों पर चुनाव हुए, कांग्रेस 14, भाजपा 44 सीटों पर जीती। इसके अलावा जेडीएस के खाते में एक भी सीट नहीं गई है। इसके अलावा शिवमोगा की बात करें तो 11 सीटों पर चुनाव हुए, जहां कांग्रेस को 1 और भाजपा को 9 सीटें और जेडीएस के लिए एक भी सीट नहीं गई है। और कर्नाटक निकाय चुनाव की अगर बात करें तो कांग्रेस को 151 सीटें मिली, सबसे बड़ी पार्टी है, और बीजेपी को 125 और जेडीएस के खाते में यहां पर 63 सीटें गई और बाकी निर्दलीय और अन्य के खाते में यहां पर सीटें गई हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो कर्नाटक में 15 सीटों पर उपचुनाव भी होने हैं, जो तय करेंगे कर्नाटक में किसकी रहेगी सरकार, क्योंकि अगर 15 सीटों में से बीजेपी 6 सीट नहीं जीती है तो बीजेपी सरकार गिर जाएगी और कांग्रेस जेडीएस की सरकार एक बार फिर से सत्ता में आ जाएगी। ऐसे में बीजेपी को कैसे वो सीटें मिलेंगी, ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि निकाय चुनाव में बीजेपी को जमकर नुकसान हुआ है और हो सकता है आने वाले दिनों में यहाँ पर बीजेपी सरकार गिर जाए, क्योंकि जिस प्रकार की राजनीति देखने को मिली है महाराष्ट्र और हरियाणा और उपचुनाव में जिस प्रकार के नतीजे सामने आए हैं, इससे आने वाले चुनाव के परिणाम बेहद ही चौंकाने वाले होंगे। ऐसे में कैसे बच पाएगी कर्नाटक में बीजेपी की सरकार, इसके लिए भी आपको आंकड़े दिखा देते हैं। और जिस प्रकार के नतीजे यहाँ पर फ्लोर टेस्ट में देखने को मिले और यहाँ पर विपक्ष में जो है वोट 105 और यहाँ पर पक्ष में यहाँ पर 99 वोट मिले, लेकिन 15 सीटों पर जो उपचुनाव होने हैं वो ही तय करेंगे कर्नाटक में किसकी बनेगी सरकार। लेकिन जो आंकड़े सामने आए उसके अनुसार बीजेपी को सिर्फ 3 सीटें ही मिल सकती हैं, लेकिन बीजेपी यहां पर 6 सीट नहीं जीतती है तो फिर कर्नाटक में भी बीजेपी सरकार गिर जाएगी, ये ताजा आंकड़े निकल कर सामने आ रहे हैं। फिर भी आपको क्या लगता है, क्या कर्नाटक में जिस प्रकार के नतीजे यहां पर निकाय चुनाव में देखने को मिले हैं और 15 सीटों पर जो उपचुनाव होने हैं, उन सीटों पर किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार, क्या बीजेपी सरकार बरकरार रहेगी या सरकार गिरकर प्लस कांग्रेस जेडीएस की सरकार वापसी करेगी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। एक नई लेटेस्ट अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।